देविका के कारण संयोग से सुमन ने तीर्थ के गले पहनाया माला। तीर्थ और सुमन की दुश्मनी होगी विवाह में परिवर्तित। देविका का फूटा सुमन पर गुस्सा। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो सुमन इंदौरी की, जिसका आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जहां शो के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से सुमन शगुन का थाल लेकर देविका और तीर्थ से मुलाकात करने के लिए आती है, जहां पर देविका सुमन की खूब बेइज्जती करते हुए नजर आती है और कहीं ना कहीं सुमन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देने की बात कहती है। लेकिन सुमन को इन बातों से कुछ भी बुरा फील नहीं होता है। सुमन सिर्फ और सिर्फ तीर्थ से मुलाकात करने आई होती है और इस वजह से सुमन तीर्थ को अपने थाली से निकाल कर प्रसाद के लड्डू देती है और बताने लग जाती है कि सुमन सिर्फ तीर्थ से मिलने आई है, क्योंकि तीर्थ ने कल बहुत ज्यादा मदद की थी सुमन की और आज सुमन ने तीर्थ के नाम का प्रसाद चढ़ाया है। और ऐसे में देविका का फूट पड़ता है गुस्सा। देविका तुरंत ही सुमन के हाथों की थाल को ऊपर फेंक देती है, जहां पर सुमन उस थाल को तो कैच कर लेती है लेकिन फिर देविका को भला बुरा कहने लग जाती है, जिसके बाद देविका सुमन को धक्का मारती है और गलती से फूलों का हार सुमन अपने हाथों से तीर्थ के गले में पहना देती है। और ये देखने के बाद सभी घर वाले काफी बुरी तरीके से शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं देविका भी गुस्से से लाल होते हुए नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर सुमन और तीर्थ एक दूसरे के बाहों में खोए हुए दिखाई पड़ते हैं। वेल, तो इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।